हेलो फ्रेंड्स वेलकम यूपीएससी ने सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2020 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाला है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर करूंगा जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपका डेट्स कब आप अप्लाई कर सकते हैं पेमेंट के मेथड फिर आपका एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजियर इन सब को मैं कवर करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी so, ने सी डी एस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाला है पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को यूपीएससी के यूपीएससी ऑनलाइन डॉट डॉट जाके पे एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा ऑनलाइन लास्ट डेट जो आपका एप्लीकेशन सबमिशन है ट्वेंटी फिफ्थ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी शाम के छह बजे तक साथ में अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को विद्रॉ करना चाहते हो इसका डेट का फर्स्ट सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी से सेवन सेप्टेम्बर ट्वेंटी शाम के छह बजे तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा अप्रोक्स तीन हफ्ते पहले और कैंडिडेट्स को यूपीएससी के वेबसाइट पे जो आपका है यूपीएससी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन वहां पर जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा सेपरेटली कोई भी एडमिट कार्ड बाय पोस्ट सेंड नहीं किया जाएगा आपको आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें आपका पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर अगर आपने कोई गलत आंसर दिया जिसके लिए निगेटिव मार्किंग भी है सबको जो भी आंसर पता है उसको अटेम्प करिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है डाउट है इसको आप छोड़ सकते हो सर में एग्जाम में जो आप लिखेंगे ओ एम आर सीट में जो आप आंसर को मार्किंग करेंगे उसमें आपको ब्लैक बॉल पेन से ही करना है बाकी कोई कलर जैसे ब्लू बॉल पेन है वो अलाउड नहीं है बस आपको ब्लैक बॉल पेन का ही यूज यहाँ पे करना होगा छोटे तो जो वैकेंसी है ये आपका है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फोर जिसमें आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हंड्रेड इंडियन नेवल एकेडमी में ट्वेंटी सिक्स एयरफोर्स एकेडमी में थर्टी टू ट्रेनिंग एकेडमी मैन उनके लिए वन सिक्सटी नाइन और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वोमेन उनके लिए सेवनटीन ये आपके एग्जाम सेंटर से जा जा पे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इंडियन मिलिटरी अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी उनके लिए डिग्री ऑफ ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विब फॉर इंडियन नेवल अकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड फॉर एयरफोर्स अकेडमी डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट टेन प्लस टू लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया आप एलिजिबल हो अदर्स अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है यानी आप आपके टेन प्लस टू में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका मास्टर है अगर आपके टेन प्लस टू में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर जो डिग्री कैंडिडेट है वो भी अब एलिजिबल है लेकिन अगर आपके फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में कोई बैकलॉग है अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते साथ में आपका जो ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगा उस डेट तक आपके पास आपका मार्क्सिट सर्टिफिकेट होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए आप पे रिजेक्ट हो जाएंगे सो फाइनल कैंडिडेट एग्जाम तो दे सकते हैं लेकिन ट्रेनिंग के पहले आपके पास मार्क्सिट और सर्टिफिकेट होने चाहिए फीस की अगर हम बात करें देन फीमेल कैंडिडेट एस और एस टी कैंडिडेट उनको कोई फीस पे नहीं करना है उनके लिए फीस एग्जेप्टेड है बाकी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए टू हंड्रेड फीस आपको पे करना है फीस आप कैश भी पे कर सकते हो या आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो इलेवन जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग मैरिज अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया उसके बाद आप एग्जाम देते हो और रिटर्न को क्लियर करते हो लेकिन उस बीच अगर आप शादी करते हो या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके कैंडिडेटर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथ में अगर आप पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो एग्जाम का इसको कंप्लीट करके ट्रेनिंग में जाते हो और ट्रेनिंग के टाइम में भी अगर आप शादी करते हो अभी भी आपको आ, आपके जो ट्रेनिंग है इससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथ में जो भी एक्सपेंडिचर आप पे किया गया है वो भी आपसे रिफंड लिया जाएगा तो आपको सोच समझ के अप्लाई करना है और आपका ऐसा कोई प्लानिंग है देन आप इसमें अप्लाई मत कीजिएगा एकदम पैटर्न की अगर हम बात करें देन इंडियन मिलिट्री अकेडमी इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी के लिए इंग्लिश है टू आवर्स का हंड्रेड मार्क्स जनरल नॉलेज है टू आवर्स का हंड्रेड मार्क्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है टू आवर्स हंड्रेड मार्क्स और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इंग्लिश आपका आवर्स हंड्रेड मार्क्स जनरल नॉलेज आपका आपका आवर्स मार्क्स से एग्जाम पैटर्न ये सब पेपर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे ये आपका पे स्केल है पे स्केल वो आर्मी ऑफिसर्स और इक्वेल एंड रैंकिंग एयरफोर्स एंड नेवी इनिशियली आपको एज ए लेफ्टिनेंट आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा लेवल आपका लेवल टेन है और पे जो आपका फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड से लेके वन लाख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड साथ में यहाँ पे मिलटरी सर्विस पे होता है ऑफिसर्स रैंक जैसे लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर वहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ फिक्स होता है और जब आप ट्रेनिंग के टाइम होंगे वहाँ पे आपको एज ए कैडेट आपको फिफ्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड पर मंथ आपको मिलेगा साथ में और भी अलाउंसेस है जैसे आपके हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंसेस अलाउंसेस यूनिफॉर्म अलाउंसेस फ्री राशन और अदर अलाउंसेस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है था यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 2020 के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो देन इसमें आप अप्लाई कर सकते हो साथ में अगर आपके जानकारी में कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई ऐसा है जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो इनके साथ ये वीडियो जो शेयर करिएगा सॉरी उनको भी ये पता चले और वो अप्लाई कर सके अगर वीडियो आपको पसंद आया देन वीडियो को जो लाइक करिएगा साथ में हमारे और भी बाकी जो वीडियो है उनको भी देखिएगा हम रेगुलरली जॉब्स कोर्सेज मोटिवेशन और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करते रहते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक तो अच्छे से खुश रहिए टेक कैन बाय